हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा आज का ओटीटी है। और तो आज मैं जा रही हूँ आईटी पे, तो मैं आपको दिखाऊंगी आज का ब्लॉग। आज ना प्रोडक्शन भी है, आज बनने वाला है रागी नाचोस। तो हम चलते हैं अपने एरिया में, अपने जोन में। सो या पूरा पानी पानी, हर तरफ पानी ही पानी है। और हम चले, रिक्शे वाले भैया ने पूरा जुगाड़ कर रखा है बारिश से बचने के लिए। अभी बस 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। 5 मिनट बाद मैं दिखाऊंगी आपको सब कुछ, एवरीथिंग हाउ इज गोइंग। ग्रीनरी देखो, बारिश की वजह से सीधा ग्रीनरी। हाउस ग्रीनिंग। तो मैं पहुंच चुकी हूं अपने एरिया में। और कितने कितने सुंदर सुंदर फूल है देखो, ये गुलाब के फूल हैं। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मेरी आईटी है। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको प्रोडक्शन, साथ में बारिश भी हो रही है। आज तो हर जगह भीगा भीगा है। गुड मॉर्निंग। काम चल रहा है। गुड मॉर्निंग आंटी। ये बना है राइस, जो कि बालवाड़ी प्राइमरी और लोगों के लिए लंच में जाएगा। और ये बनी है उड़द और चने की दाल, ये भी बच्चों के लिए जाएगी। और इन्होंने बनाया है कैंटीन में सुबह दिस ब्रेड पकौड़ा। और पूरी प्लानिंग चल रही है, पूरा मैसअप हो रहा है। अभी सीधा हम की सब्ज़ी बनाएंगे। सब कुछ बिल्कुल मैसअप है। सो दे आर डूइंग प्रोडक्शन ऑफ रागी नाचोस। दिस इज द डो। और रोलिंग पिन की मदद से इसको बेलते हैं, फिर इसको कट करते हैं उससे, कटर से। और देन इसको कट किया जाता है शेप में, रागी नाचोस की शेप में। बिल्कुल पतला थिन बेला जाता है। ये डो बेलने के बाद फिर इसको ना कटर से, कटर की मदद से इसको काटा जाता है, मतलब शेप दी जाती है, राउंड शेप में कट किया जाता है। फिर इसको सुखाया जाता है, मतलब पंखे की उसमें सुखाते हैं। और देन फिर इसको कट किया जाता है, जैसे कि आप देखोगे वीडियो में, ऐसे राउंड शेप में वो कट जाते हैं। फिर स्क्रैपर की मदद से उगाते हैं और देन इसको सुखा देते हैं मसलिन क्लोथ के ऊपर। देखो ऐसे, ये है जिसमें डो बनाया जाता है, नीट किया जाता है। और ग्राइंडर है, रोस्टिंग है,
स्लाइसर है, सब कुछ है यहाँ पे। तो मैं पी रही हूँ चाय और ये व्यू है मेरा सामने, ये है बालवाड़ी, यहीं पे वो बच्चों का खाना जाता है और उधर है प्राइमरी उस साइड में, वहाँ पे भी 12 बजे जाएगा, बालवाड़ी का खाना जा चुका है क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनका खाना जा चुका है। यहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आगे वो क्लिप्स भी दिखाऊंगी जहाँ पे बच्चों को दिया जाता है वो छोटा छोटा मतलब खाना। सो या अभी मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ, अभी जा रही हूँ वहीं बालवाड़ी में। कैसे हो आप सब? क्या क्या खाया आज? क्या खाया? दाल चावल। कैसा था दाल चावल? अच्छा या बहुत अच्छा? टेस्टी था। अच्छा क्या क्या किया आज? हाँ क्या एक्टिविटी की? जैसे कलर्स किए और क्या किया? हाँ वाओ वाओ। एक बार बाय करो। सो मैं फिर से जा रही हूँ कैंटीन में, मैं गई थी बच्चों के पास देखने। ये सूख जाते हैं फिर उनको पाई कटर की मदद से कट किया जाता है, और मतलब रागी नाचा उसकी शेप में, तो ऐसे कट करने के बाद जब ये सूख जाता है प्रॉपरली तो इसको हम फ्राई करते हैं, जो कि आप आगे वीडियो में देखोगे। ये सारी कटिंग्स हो गई हैं, ये मैंने कट किया है अभी ट्रायंगुलर शेप में, लाइक रागी नाचोस जैसे होते हैं वैसे ही मैंने कट कर लिया इनको। अब ये फ्राई होंगे, फिर इसमें हमारा सीक्रेट मसाला जाएगा और देन फिर ये पैक होगा, जो पैकिंग कल होगी तो वो पैकिंग भी दिखाऊंगी, वो हमारे पार्ट टू में होगा। पार्ट वन में सिर्फ हम ये दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं वो। इस एरिया में हमारे रागी नाचोस फ्राई होंगे, तो इसके लिए तेल गैस पे रख दिया गया है और सारी तैयारियां हो गई हैं। वेइंग मशीन वहाँ रखी है जहाँ यहाँ पे हम वे करके मसाला डालते हैं। सो देखते जाओ। ये फ्राई हो रहे हैं Thank you.
ये फूल रहे हैं आज। डलेगा किस हिसाब से डाल तो वेट बताओ। तो ये हमारे रागी नाचोस रेडी हो चुके हैं। अब इनकी कल होगी पैकिंग और पूरा क्रंच। सुनो क्रंच कितने क्रिस्पी हैं ये। और तो इसकी पैकिंग के लिए कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो इसके लिए कंटिन्यू करना नेक्स्ट वीडियो पे। इसका वे करते हैं और कल मिलते हैं। हमने बनाए हैं टेक्सटाइल के लिए समोसे जो कि पैक हो गए हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें डेली शाम को देते हैं। इसकी चटनी दोनों आएंगे, ऊपर वाले भैया वो लेके जाएंगे टेक्सटाइल के लिए समोसे। किचन भी माइंड अप हो रखा है, कल की तैयारी चल रही है। इसमें राइस बनेगा तो सब तैयारी हो रही है। कल बनेंगे राजमा, और ये है एरिया जहाँ पे लंच होता है। तो ये टेक्सटाइल वाले लोग आके लंच करते हैं, तो वो ये एरिया है वहाँ पे बैठते हैं। और अभी तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। बिल्कुल रात और सब कुछ बंद हो चुका है। हम भी जा रहे हैं घर, अपने स्वीट होम। बाय एवरीवन। तो आप बताना आज का व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करना, और मेरे साथ बने रहो नेक्स्ट व्लॉग के लिए जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि पैकिंग कैसे होती है, सब कुछ कैसे होता है, पैकेजिंग कैसे होती है। तो बने रहो, बाय।